हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर सो हम पढ़ रहे हैं एलिजाबीथन एज ये है लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर इन द सीरीज ऑफ़ यू जी सी नेट का प्रपरेशन um, आप इसमें जॉन लिली जॉर्ज पील और थॉमस किड को पढ़ोगे और uh, ये हम ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी इन डेट ऑफ बर्थ चल रहे हैं ये फिफ्टीन आज हम फिफ्टीन आइटम्स कम्प्लीट हो जाएंगे आज हमारे एलिजाबीथन एज के लेक्चर ट्वेंटी फोर है क्योंकि हमने इससे पहले और भी एजस करी हुई हैं तो वो आप सारी देख सकते हो वो नहीं देखनी तो एलिजाबीथन से तो प्लीज स्टार्टिंग से देखना नहीं तो क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आएगी और वो याद नहीं होगी और फिर वो ना क्या है ना कुछ चीज़ें आप कॉन्शियसली याद नहीं कर सकते इत इतना सारा है कि आप कॉन्शियसली उसको याद नहीं रख सकते तो आपके सब कॉन्शियस में वो तभी इम्प्रिंट होगा अगर आपने नोट्स ही ऐसे बनाए होंगे कि आपका क्रोनोलॉजिकली uh, वो डेट ऑफ के अकॉर्डिंग हो अच्छा अब कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि ज़्यादा ही है सब कुछ इकनोलॉजी में क्यों करना है है ना ऐसा है कि पिछले चार साल से ना यार बहुत ही उनका फोकस बढ़ रहा है क्रोनोलॉजी में चार साल पहले बड़े दूर दूर से पूछते थे वो जैसे एक एलिजाबेथन एज के उठा लेंगे राइटर एक आपके मॉडर्न एज से दे देंगे एक शायद एनलाइटनमेंट से दे देंगे तो वो बहुत इजी होता था पता करना कि हाँ ये पहले आए फिर ये बाद में फिर ये उसके बाद में वो हो जाता था इवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन क्रोनोलॉजी एंड जस्ट लाइक like अपने एजेस में भी अगर कर रखा है अब क्या हो गया है ना अगर आप लेटेस्ट पेपर देखोगे अभी तो एक क्वेश्चन आया उसमें पाँच राइटर्स नेट में ही पाँच राइटर्स आपको ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज करने थे उसमें पाँच राइटर्स थे मैं आपको दो ही बताऊँगी क्योंकि अभी हमने दो ही पढ़े हैं उनमें से वन वॉज एडमिंड स्पेंसर एंड द सेकेंड वॉज फिलिप सिडनी नो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये दोनों बहुत ही क्लोज राइटर्स हैं इन द सेंस ये लिटरली मतलब बहुत ही कम गैप है ऐसा भी नहीं कि एलिजाबिथन में एक स्टार्टिंग में पढ़ा एक एंड में पढ़ा नहीं बहुत ही पास है और ये याद रख पाना कि कौन पहले आया था डिफ़िकल्ट है अगर लेकिन अगर आपने साथ साथ एकदम टाइमली पहले फिलिप्स सॉरी एडमिंड स्पेंसर पढ़े होंगे फिर फिलिप्स सिडनी करें होंगे तो आपको याद रहेगा तब आपको डिफिकल्ट नहीं होगा इसी क्रोनोलॉजी याद करने में तो प्लीज़ क्रोनोलॉजी वाइज ही याद करो क्योंकि आपको नहीं पता ना कल और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ ये शायद ये पहले पढ़ा था तो ये पहले आते होंगे ठीक है तो उसको पढ़ो ही उस तरीके से ठीक है चलो ठीक है आज पढ़ना है जॉन लिली जॉर्ज पील एंड थॉमस किड ये तीनों ही यूनिवर्सिटी विट्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मुझे डील करना है अभी करते हैं अभी बता देती हूँ इनफैक्ट नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगी तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन है यूनिवर्सिटी विट्स वो राइटर्स थे या प्ले राइट्स बोल लो क्योंकि अभी हम प्लेज ही पढ़ेंगे नॉवल तो बहुत लेट आएगा थोड़ा बहुत अप्रोज होगा इधर उधर थोड़ा बहुत लेकिन मोस्टली प्रिडोमिनेटली इस एज में क्या है प्लेज ही हैं राइट तो अगर आपको याद होगा जब हमने एलिजाबिथन एज पढ़ा था जब मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि मिस्ट्री मेरिकल मोरालिटी प्लेस याद है कुछ जो हमने पढ़े थे तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ मैंने आपको बताया था कि कैसे एजुकेट करना था कॉमन मैन को बाइबल के बारे में आपके रिलीजन के बारे में तो प्लेज एक इनोवेटिव फॉर्म था लोगों तक आपका मैसेज पहुँचाने के लिए तो प्लेज बहुत पॉपुलर भी हो गए फिर कैसे कैसे यू नो चर्च से दूर होता गया प्ले यू नो सेकुलर थीम्स आने लग गए सो एलिजाबेथन एज में बहुत लाइक like, फुल ब्लूम में है प्लेस जो है इस टाइम पे बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं बहुत फेमस प्ले राइट्स आप देखते हुए इस में और यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है आ, इन इंस्पायरिंग शेक्सपियर शेक्सपियर के वर्क्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं यूनिवर्सिटी विट्स से यूनिवर्सिटी विट्स को यूनिवर्सिटी विट्स बोलते क्यों हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे ना एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि किड जो है ये नहीं पढ़े हुए हैं इनके अलावा सारे ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में आइदर ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज ठीक है तो इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी बिट्स बोलते हैं क्योंकि एक तो प्लेस बहुत ही बहुत ही कमाल के प्लेस लिखे हैं इन्होंने और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए थे जो कि थे ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज तो Uh, इसमें हम पढ़ेंगे फिर अभी uh, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में गया ऑक्सफर्ड में कौन था कैम्ब्रिज में कौन था तो वो सब देखेंगे अभी चलते हैं जॉन लिली से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जॉन लिली की बात हो ही गई है और हम यूनिवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं तो जॉन लिली गए थे आपके ऑक्सफर्ड ठीक है ये गए थे ऑक्सफोर्ड ये मोस्टली कॉमेडीज लिखते थे एंड ही वॉज द पायनियर ऑफ पीका रेस्क नॉवल यू शुड नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि पीका रिस्क नॉवल क्या होता है पीका रिस्क नॉवल एक तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल देती हूँ तो ताकि आप पहले खुद सोचो फिर मैं बताऊंगी कि क्या होता है तो पीका रिस्क नॉवल का एग्जाम्पल है एडवेंचर्स द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर या फिर अगर आपने वो पढ़ा होगा एडवेंचर्स ऑफ हकल बेरी फिन वो भी पीका नॉवल है पर ये अब अब सोचो वीडियो पॉज कर लो और सोचो कि क्या होंगे अगर आपने ये नावल्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो तो अब सुनो मेरी बात ठीक है पीका रिस्क नावल एक ऐसा नावल होता है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो एक थोड़ा मिस्चीवस होता है अगर आपने टॉम सोयर देखा होगा हकल बरीफ इन दोनों ही बच्चे हैं और दोनों ही बहुत मिसचिवस हैं ठीक है फिर एक जगह जा रहे हैं फिर दूसरी जगह जा रहे हैं फिर वहाँ कुछ हो जा रहा है फिर कुछ और कर रहे हैं फिर वहाँ कुछ हो जा रहा है तो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है पीका रेस्क नावल एक ऐसा नावल होता है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है जो आपका मेन लीड है वो ऐसा इंसान नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा वर्चुअस होगा सब कुछ अच्छा कर रहा है कोई कमी नहीं है उसमें वो एक ऐसा इंसान होगा जिसमें लिटरली सारी कमियाँ उसी में ही होंगी लेकिन फिर भी वो एक कैरेक्टर जो होता है वो अच्छा होता है वो उसमें कमियाँ होंगी पर वो एक अच्छा कैरेक्टर होता है तो पी का जो मैंने बताया ये तो आप नहीं लिख सकते होगा अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है उसके लिए तो आप डेफिनेशन देख ना मैं बताऊंगी कि डेफिनेशन तो ये है कि एक ऐसा नॉवल जिसमें जो चीफ कैरेक्टर आपका होता है प्रोटैगनिस्ट होता है ही इज अ मिस पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू एन मोस्टली ऑन एडवेंचर्स ठीक है चलो अब आ जाते हैं हम इनके वर्क्स पे यूफीएस द अनैटमी ऑफ विट एक वर्क है और दूसरा है यूफीएस एंड इज इंग्लैंड दिस इज़ द सीक्वल ये तो पता ही चल रहा है नाम से पता चल रहा है दोनों के नाम में यूफीएस आ रहा है ठीक है यूफी जो है ये ग्रीक ओरिजिन से वर्ड है और इसका मतलब है ग्रेसफुल या विटी ठीक है और ये जो वर्ड ये जो वर्ड है ये उठाया गया था फ्रॉम द स्कूल मास्टर एंड यू शुड नो हु रोड द स्कूल मास्टर बाय नाउ यू शुड रिमेंबर नहीं याद हाँ है तो मैं बता रही हूँ पर रिवाइज करो फिर अगर नहीं याद हाँ है रॉजर एशचाम अब आपको रॉजर आश्राम से ना एकदम से याद आना चाहिए था कि और क्या लिखा है रॉजर आश्टाम ने ठीक है क्योंकि ऐसे ही याद होता है आप जितना रिवाइज करोगे और रिवाइज़ का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक रॉजर आश्टाम खोले नहीं तब तक आपको याद ही नहीं है कि रॉजर आश्राम ने क्या लिखा आया रॉजर आश्राम का रेफरेंस सोचो नहीं याद आ रहा है देखो नोट्स अभी तो मैं बता देती हूँ टॉक्सोफिलस ठीक है अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि जिसमें भी ये पी एच आई एल ये वर्ड आई ये लव से रिलेटेड होता है जैसे इन केस ऑफ टॉक्सोफि दिस मीन्स लवर ऑफ द बो है ना तो ये सब चीजें अब आ जाओ आप कि यूफी जो है दिस हैज़ ऑल्सो बीन रेफर टू बाय थॉमस कैरलाइल इन साइंस ऑफ द टाइम्स साइंस ऑफ द टाइम्स इनका एक वर्क है कैरलाइल का जिसमें इन्होंने रेफर किया है यूफी को तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रख लो यूफीएस एंड इज इंग्लैंड में नेपल्स जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है अ प्लेस ऑफ मोर प्लेजर देन प्रॉफिट एंड येट ऑफ मोर प्रॉफिट देन पिटी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लेजर सबसे ज़्यादा है फिर प्रॉफ़िट और पिटी सबसे कम ठीक है तो ये बेसिकली वर्ड टू वर्ड मतलब सेकेंड थर्ड पेज में ये आता है इन दिस वर्क यूफी तो वहाँ से ये उठाया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए ठीक है फिर आता है यूफीज़म ना इतना तो पता चल रहा है कि इससे और इससे कुछ कनेक्शन होगा तभी सेम सेम सा नाम है राइट right? सिमिलर सा नेम है सेम और सिमिलर डिफरेंट होते हैं सेम होता है एग्जैक्ट कॉपी है सिमिलर होता है ऑलमोस्ट लाइक like, एक जैसे से ठीक है तो यूफियाजम जो है उसका क्या है यूफियाज़्म होता है एक ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग जो चीज़ों को बहुत ही यू you नो know, एक अलग लेवल पर लेके जाता है इन द सेंस दैट यू विल नॉट से दैट द स्पेन इज़ वेरी ब्यूटिफुल ठीक है यू विल से द ब्यूटी ऑफ द स्पेन इज समथिंग दैट वॉज अन नोन टू यूज इसको एकदम ऐसे थोड़ा सुंदर सा बना के बोला ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कभी देना होगा तो आप बोलोगे यूज ऑफ ऑर्नेट लैंग्वेज ऑर्नेट लैंग्वेज For अदरवाइज सिंपल आइडियाज ठीक है ये हो गया आपका यूफीजम और क्योंकि लैंग्वेज इस तरह की यूज़ की गई है यूफीएस में इसीलिए ये जो टेक्निक है इसका नाम ही यूफीज़म पड़ गया ठीक है तो ये आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट है यूफीज़म पूछते हैं क्या होता है फिर आ जाओ कैंपेसपे पे, पे।

इज अ वर्जिन हंड्रेस ठीक है एंड ऑब्वियसली अब क्वीन के बारे में तारीफ ही की होगी तो इंडाइमियन में क्या है ही प्रेस द क्वीन विच क्वीन क्वीन एलिजैथ ठीक है फिर आ जाओ गलेथिया पे फिर आ गया मिडास मिडास अगर आपको थोड़ा सा भी बचपन से इवन इफ यू डोंट नो द नेम मिडास आपको याद एक स्टोरी पढ़ते थे कि एक किंग है वो जो भी वट एवर ही टचड यूज़ टू टर्न इन टू गोल्ड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मिडास तो मिडास की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पहली बार ये आइडिया जनरेट किया था कि मिडास uh, जो है उनका और उन uh, मिडास और उनका गोल्डन टच ये एक पुराना आइडिया है ये किसी और ने लिखा है पर इन्होंने उसके ऊपर एक और स्टोरी लिख दी आप स्टोरीज को रीराइट कर सकते हो ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लेंस से तो इन्होंने के साथ वो किया है ठीक है फिर ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है द वन इन द मून पहले लिखा द मैन इन द मून अब लिखा द वूमन इन द मून ठीक है दिस इज इज ओनली वर्क इन ब्लैक वर्स ठीक है ओनली वर्क इन ब्लैक वर्स Now, if I were to ask you, which was the first work, play, rather not work, to be written in blank verse? tha? Video pause karo or socho. Gorgodak. First tragedy juthi that was in blank verse. Likikis neti. Thomas Norton. एंड थॉमस सैक्विल ठीक है ऐसे आपको ना कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे ब्लैंक वर्ड है याद आना चाहिए आपको फर्स्ट प्ले कौन सा था फिर याद आना चाहिए था गौरबुडक लिखा है फिर याद आना चाहिए था गौरबुडक किसने लिखा है फिर अभी तो मुझे और भी याद आ रहा है कि हाँ थॉमस सैक्विल ने और क्या क्या लिखा था लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप डाइग्रेस कर रहे हो दिस इज कॉल्ड रिविजन रिविजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने खोल ही लेने हैं पहले गौरबुडक के नोट्स और फिर पढ़ना है रिविजन का मतलब ये है जब याद आया जो याद आया नहीं याद आ रहा है अगर आपको और आपने पढ़ा हुआ है उसी टाइम नोट्स खोलो और देखो कि क्या लिखा था ऐसे ज़्यादा याद रहता है ठीक है तो ये इनका लास्ट नोन वर्क भी है और हम्म ठीक है चलो ये बता दिया मैंने आपको ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सफ़ोर्ड जाते थे ही ही हैज़ गॉन टू ऑक्सफोर्ड अब आ जाओ आप जॉर्ज पील पे जॉर्ज पील पे ना अभी रिसेंटली क्वेश्चन है वैसे तो ये ऑप्शन में ही आ रहे थे कुछ टाइम से थोड़ा बहुत वो भी अभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन रिटन बाय जॉर्ज पील और उसके जो आंसर्स थे वो थे द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट एंड द ओल्ड वाइफ स्टेल तो बहुत रीसेंट है तो इसीलिए अगर मैंने आपको ये पहले पढ़ाना होता इस एग्जाम होने से पहले जो भी रिसेंट हुआ तो मैं आपको ये डिटेल्स में नहीं देती ठीक है कि इनमें क्या हुआ पर क्योंकि अब पेपर में सवाल आ गए इसमें डायरेक्टली उन्होंने ये तीन वर्क्स मेंशन कर दिए तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिंसेयर स्टूडेंट कि आपको इन तीनों वर्कस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अंदर लिखा क्या है ठीक है उसमें हम जाएंगे पर पहले आपको बाकी वर्क्स के नाम जल्दी जल जल जल्दी बता देती हूँ है ना चलो सर क्लायोमोन एंड सर क्लाइमाइट्स ठीक है इसमें थोड़ा सा ऑथरशिप पे थोड़ा डिबेट है कि किसने लिखा है पर आप जॉर्ज पील याद रख लो फिलहाल ठीक है फिर आ जाएंगे द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस पे बाद में जाती हूँ समरीज है ना पहले एक बार जल्दी से नाम पढ़ देती हूँ सारे फिर द ट्रबल सम रेन ऑफ किंग जॉन देन अ फेयरवेल टू आर्म्स अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये एक और इंसान का वर्क है सेम सेम टाइटल है ही इज एन अमेरिकन ऑथर हु इज़ ही आई विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू आंसर इट राइट नाउ क्योंकि अभी मैंने अपनी तरफ से आपको नहीं पढ़ाया आपको आता है तो दैट्स ग्रेट आई मीन बहुत ही अच्छी बात है इट्स अर्निस्ट हेमिंगवे ठीक है अर्निस्ट हेमिंगवे का बहुत ही फेमस वर्क है अ फेयल टू आर्म्स ठीक है फिर आ जाता है द बैटल ऑफ अलसजार ओके टाइटस इंड्रॉनिक शेक्सपियर और जॉर्ज पिल ने एक साथ लिखा था ठीक है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट द ओल्ड वाइफ स्टेल ओके okay, तो अब आ जाते हैं हम इनके डिटेल्स में द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस पहले तो आपको समझ आना चाहिए टाइटल का क्या मतलब है अरेंजमेंट अरेंजमेंट पता है क्या होता है जैसे मान लो किसी पे कुछ इल्ज़ाम लग गया ठीक है इस इंसान ने मान लो चोरी करी है ठीक है तो अब जिस इंसान ने चोरी करी है वो डिफेंड करेगा अपने आप को कि नहीं मैंने नहीं करी और वो अपने डिफेंस में कुछ कुछ बोलेगा तो वो डिफेंस होता है ना जब आप प्रूव कर रहे होते हो कि नहीं मैंने ये जो मेरे पे एक्यूजेशन लग रहा है ये गलत है उसे अरेंजमेंट बोलते हैं ठीक है ठेके? तो अब इतना तो पता लग गया कि पेरिस जो है वो कैरेक्टर हैं एक इस वर्क में तो उनके ऊपर कुछ एक्यूजेशन लगा है इसीलिए अरेंजमेंट की बात हो रही है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस डिफेंस कर रहे हैं वो अपना किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पेरिस कौन है तो पेरिस बेसिकली एक ट्रोजन प्रिंस थे जिन्होंने हेलन द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन उन्हें भगाया था अपने साथ और उसी कारण से जो वॉर हुआ था ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में जो फेमस वॉर है जिसके बारे में इलियड में होमर ने मेंशन किया है वो हुआ था ठीक है जो मैंने आपको बताया हेलेन के बारे में मैंने अगर आपको याद हो जब हमने स्पेंसर पढ़ा था तो मैं आपको बता रही थी कि जब वो थेम्स के बैंक पे बैठे होते हैं तो वहाँ पर दो सॉन्स उनको दिखती हैं जिनसे उनको जोवर लेडा की याद आती है कुछ याद आया मैंने वहाँ बताया था कि जो व लेडा की बेटी थी हेलन राइट तो पेरिस किसका बेटा है ट्रोजन हेलन किसकी थी ग्रीक्स की बेटी थी जिनको जिसको पेरिस ने भगा लिया था और उस वजह से ही वॉर हुआ था ठीक है अच्छा वो तो चलो अलग चीज़ है अब वही वाले पेरिस की बात है लेकिन एक डिफरेंट स्टोरी है एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है तो पेरिस का क्या है कि जो ज्यूपिटर हैं गॉड वो बोलते हैं कि आपको ना गोल्डन एप्पल देना है थ्री गोडेसिस में से किसी एक को देना है ठीक है तो पैरिस जो है वो गोल्डन एप्पल वीनस को दे देते हैं ठीक है जो वीनस है एज ए रिवॉर्ड वो बोलती हैं कि हाँ हेलेन पैरिस को द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमन वो पैलेस को दे देंगी एज़ ए रिवॉर्ड क्योंकि उन्होंने गोल्डन एप्पल के लिए वीनस को चुना पैलेस ने गोल्डन एप्पल के लिए वीनस को चुना लेकिन जो बाकी दोनों गोडेस हैं जिनको गोल्डन एप्पल नहीं मिला उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ पार्शियलिटी हुई है तो वो क्या करती हैं कि वो जाती हैं गॉडस ऑफ पार्शियलिटी के पास जो कि है डाइना और डाइना क्या करती हैं अल्टीमेटली वो जो एप्पल है वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं देती और वो बोलती हैं कि जो डिजर्व करती हैं ये करती हैं एलिजा ना एलिजा जो है ये एलिजाबेथ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये भी ऑब्वियसली एक तारीफ हो गई क्वीन एलिजाबेथ के लिए ठीक है so, सो ये है द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस अच्छा जब मैं आपको पैरिस के बारे में बताया ना आपको थोड़ा सा ट्रोजन वॉर के बारे में भी आइडिया लगा कि कोई हेलन थी जो पैरिस को पैरिस के साथ भागी थी और इस वजह से वॉर हुआ था तो ये जो स्टोरी है ना ये अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगह आती है ये पार्ट ऑफ द स्टोरी सुनाया है मैंने आपको आगे जब आप इसमें वर्ल्ड लिटरेचर करोगे ना तो आप डिटेल में पढ़ोगे इसको लेकिन ये जो स्टोरी है ना जितनी जितनी आपको मिलती जा रही है इसको याद करते जाओ की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन जनरल भी पता होनी चाहिए सवाल आए चाहे ना आए ठीक है फिर आओ आप इसमें तो डिटेल्स में कुछ नहीं है फिर आओ द ओल्ड वाइफ स्टेल इसमें पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है ओल्ड वाइफ स्टेल मतलब कोई ओल्ड वाइफ है जो टेल सुना रही है वैसे तो ऐसा भी समझ सकते हो लेकिन एक फ्रेजल वर्ब भी है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी बात जो अब ट्रू नहीं है है ना एक ऐसी कोई स्टोरी जो पहले बहुत मानी जाती थी लेकिन अब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि न, पता नहीं मतलब उसकी सच्चाई पे क्रेडिबिलिटी नहीं है ठीक है तो वो भी होती है ओल्ड वाइफ स्टेल पर इसमें जो ओल्ड वाइफ स्टेल है बेसिकली मैज है बेसिकली द गर्ल हु इज़ एक्चुअली इन रेटिंग द स्टोरी तो मैज जो है ये आ, क्या होता है ना कि एक फॉरेस्ट में तीन लोग होते हैं तो उनको ना ये एक रात के लिए शेल्टर देती है अपने घर में तो जब वो शेल्टर देती है तब ये उनको फिर कहानी सुनाने लगती है जो कहानी सुनाती है उनको तो वो मतलब कहानी रियल में टर्न हो जाती है और वो कैरेक्टर्स अपियर हो जाते हैं सामने और फिर वो सामने चल रही होती है स्टोरी सो तो बेसिकली स्टोरी के अंदर स्टोरी हो गई प्ले के अंदर प्ले हो गया क्योंकि ये प्ले है सो प्ले विद इन अ प्ले जो प्ले है वो क्या है तीन लोग हैं फॉरेस्ट में एक रात के लिए वो मैज के पास ठहरे हैं मैज उनको एक और स्टोरी सुना रही है तो वो प्ले है वो कैरेक्टर्स भी सामने आने लग सामने आके परफॉर्म कर रहे हैं तो ये प्ले विद इन अ प्ले हो गया ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको याद रखना प्ले विद इन अ प्ले है द ओल्ड वाइफ स्टेल और इसमें जॉर्ज पील ने सैटेराइज किया है जो उस टाइम की रोमांटिक कॉमेडीज थी उन्हें ठीक है सो दैट इज अबाउट जॉर्ज पील आई थिंक हाँ अब आ जाओ आप थॉमस किड के बारे में हुँ. तो थॉमस किड जो थे अच्छा एक मिनट जॉर्ज पील जो है ये भी आपके ऑक्सफ़ोर्ड गए हैं ठीक है चेक्षा? अब आओ आप थॉमस किड में ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए लेकिन आप सोचो बिना किसी यूनिवर्स आई मीन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में नहीं गए किसी में पर बिना वहाँ जा, जाए भी कितना कमाल के राइटर रहे होंगे कि इनके बारे में मैं आज तक पढ़ रहे हैं थॉमस किट जो हैं ये सैनिका से काफ़ी इंस्पायर्ड थे सैनिका जो हैं वो ट्रेजडीज़ लिखते थे और ट्रैजडीज़ भी बहुत यू you नो know, बहुत ही ट्रैजिक मतलब वैसी ट्रेजी लिखते थे ठीक है तो अब आप जब देखोगे इनका आ, जिस तरह के वर्क्स इन्होंने लिखे हैं आपको समझ आएगा कि इनके वर्क्स में भी ट्रेजिडीज ही हैं बहुत ही आ, मतलब ऐसे ऐसे वर्क्स हैं जिसमें सारे ही मर जाएंगे एंड में ठीक है तो वो होता है एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल की ट्रेजिडी लिख रहे हैं ठीक है तो थॉमस किड जो है इनका ये देख लेना आप आ, पहला वर्क इन्होंने ये ना डेट अगर याद हो सके तो याद कर लेना ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी इम्पॉर्टेंट ये है तो ये याद हो सके आपको तो ये याद कर लेना द स्पेनिश ट्रेजिडी और हीरो निमो इज मैड अगेन ठीक है अभी ये जो है दिस इज द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजडी ऑफ इंग्लिश दैट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट ट्रेजडी विच इज गबुडक दिस इज द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजडी द स्पेनिश ट्रेजडी ओके सो अब इसमें क्या है ना एक बताई देती हूँ पढ़ लो पहले दिस फिगर्स इन द वेस्टलैंड वेस्टलैंड में ना हीरोमो का मैंशन है वेस्टलैंड टी एस एलियट का एक पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से पढ़नी पड़ती है डिटेल में पढ़नी पड़ती है ठीक है तो टी एस एलियट का बहुत फेमस वर्क है द वेस्ट लैंड जिसमें हीरोनिमो का मेंशन है ठीक है ये जो वर्क है द स्पैनिश ट्रेजेडी इसकी ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है रिवेंज एक कैरेक्टर है इसमें रिवेंज एक कैरेक्टर है और रिवेंज आ, और घोस्ट गो, ऑफ एंड्रिया ये पहले दो कैरेक्टर्स हैं जो आप देखोगे रिवेंज से आपको कुछ याद आया मिस्ट्री मिरिकल मोरालिटी प्लेस मोरालिटी प्लेस में ऐसे कैरेक्टर्स होते थे ना रिवेंज गुडविल पेशेंस ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके मोरल्स हैं या वाइसेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया होता था एज कैरेक्टर्स तो इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोरालिटी प्ले का एक आप कह सकते हो है थोड़ा सा बिट ऑफ मोरालिटी प्ले से इंस्पिरेशन कह सकते हैं ना तो आया रिवेंज एंड द गोस्ट ऑफ एंड्रिया जो गोस्ट ऑफ एंड्रिया है ये गोस्ट क्यों है क्योंकि एंड्रिया जो है वो वॉर में मारा था किसने बेल्थजर ने वॉज स्की बाय बेल्थर इन अ वॉर तो एंड्रिया ओबियसली इनसे रिवेंज चाहेंगे ठीक है होता क्या है मैंने आई थिंक इसका नहीं लिखा है ना आगे हाँ ठीक है मैं बताती हूँ होता क्या है कि एंड्रिया जब आपके पहनी डाइज ही इज़ वेरिंग अ स्कार्फ और ये स्कार्फ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्बल रहेगा आपका इस वर्क में क्योंकि ये जो स्कार्फ इन्होंने पहना होता है जब ये मरते हैं तो ये स्कार्फ जो है ये हरेशियो ले लेते हैं एंड ही वेयर्स इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ एंड्रिया तो वो स्कार्फ को पहन रखते हैं क्योंकि वो एक तरह से एक उसको याद भी हो जाती है तो उसे एक ऑनर भी होता है एंड्रिया के लिए तो वो ये करते हैं दूसरा आ, मतलब ये चीज़ अभी आप याद रखोगे ठीक है वो स्कार्फ पहनते हैं अब आपको थोड़ा सा मैं इसका बताती हूँ क्या है इसमें जो कैरेक्टर है इसको मेरे को पेन से बताना पड़ेगा आ, एक है आपके होरेशियो होरेशियो इज द सन ऑफ हीरो he is in love with a girl called Bell Imperia and she is also in love with him तो हम दो दिल बना देते हैं यहाँ पे ठीक है फिर Bell Imperia जो है Balthazar जो है basically he loves Bell Imperia but she does not love him back okay तब होता क्या है because now Horatio is the direct competitor तो क्या होगा ही किल हो रेशियो ही विल किल हो रेशियो एंड अब क्या है कि हरेशो को मार देते हैं और बेलिम्पीरिया को मतलब उठा के ले जाते हैं अब वहां पर क्या है कि बेलम्पीरिया सम हाउ मैनेज टू सेंड अ लेटर टू हीरोमो हिरोनिमो को बेलम्पीरिया का लेटर लिखा हुआ मिलता है जो कि खून से लिखा हुआ है उन्होंने और उसमें वो बताती है कि बेल्थिसर ने हेशो को मारा है सो ना वट हीरोनिमो ड ही ऑबियसली उन्हें ट्रेजिडी है तो वो मारेंगे बैलथजर को तो हीरो ने वो मारते कैसे हैं वो एक, एक क्या होता है कि बेलिम्पियर बैलथजर की शादी होती है तो बैलथजर जो है बेसिकली ये इज़ द सन ऑफ वॉइस रॉय ऑफ पोर्चुगल ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है सन ऑफ द वॉइस रॉय ऑफ पोर्तुगल बस इतना याद रखो कि रखोग पोर्तुगल से है और बाकी सारे तो स्पेनिश ट्रेड डी है तो स्पेन के होंगे है ना ये कहाँ के हैं पॉके तो इनके जो पापा है ना वो बोलते हैं कि मेरे बेटे की शादी है तो एक प्ले उनके उनके ऑनर में उन खुशी में वेडिंग की खुशी में एक प्ले ऑर्गेनाइज करो तो वो प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं हीरो और हीरो क्या करते हैं उस प्ले में क्या क्या होता है कि बेल पहले तो बैलथेजर को मारती हैं और फिर खुद को भी मार लेती हैं इसमें एक और कैरेक्टर है लोरेंजो इसको बस याद कर लो लोरेंजो भी एक कैरेक्टर है ये भी अगेंस्ट हीरोमो है ठीक है ऑपोजिट पार्टी में है ये भी तो ये भी मर जाते हैं सब मर जाते हैं बेसिकली इसमें कोई नहीं बचता इनमें याद रखने वाली बात क्या है बैल्थेजर बेल एम्पीरिया घोस्ट ऑफ एंड्रिया रिवेंज रेशियो और हीरोम बस यही है ना। अगले वाले पे आते हैं अब 1587 में आया और हेमलेट अब जब इन्होंने लिखा तब इन्होंने सिर्फ हैमलेट लिखा था लेकिन क्योंकि दो दो हैमलेट हो गए एक शेक्सपियर ने भी लिखा है ना कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता हेमलेट एक और प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए और ऐड कर दिया इस हैमलेट के पीछे Which is the Greek for original. So basically Ur Hamlet means original Hamlet. Which was written by Thomas Kidd. Then comes the murder of John Bruin. John Bruin was a goldsmith who was murdered. Then 1592, Arden of Favorsham. Now Arden was also a person who was murdered by his wife. Okay. So you can see, murder murder murder, murder So all his works many tragedies. Okay. Thomas Kidd. तो ये प्रीडोमिनेंटली क्या लिखते थे प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटली ट्रेजिडीज लिखते थे वहीं अगर मैं बात करूं हमने अभी बताया था कि जॉन लिली प्रीडोमिनेंटली कॉमेडीज लिखते थे ठीक है एक चीज़ और याद रखनी है इनके बारे में कि इन्हें बेन जॉनसन ने स्पोर्टिंग किड बोला था थॉमस डेकर ने इंडस्ट्रीस किड बोला था और थॉमस हेवुड ने फेमस किड बोला था ठीक है सो दैट इज अबाउट इट इस लेक्चर में हमने ये तीन राइटर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं इसको रिवाइज करो अच्छे से याद कर लो यूनिवर्सिटी विट्स कि जो क्वेश्चंस है ना नेट में वो इतने डेप्थ में नहीं पूछे गए हैं पर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जॉर्ज पील पे भी डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया पर फिर ऐसा है ना कि अभी क्या था इससे पहले जॉर्ज पील पे सिर्फ ऑप्शंस में आ रहे थे मतलब ऑप्शन uh, में कभी जॉर्ज पील का नाम आ गया है ना या बेसिक ये क्वेश्चन आ गया विच द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सिटी विट यही क्वेश्चंस आ रहे थे अभी इन्होंने डिटेल में पूछा और टाइटल्स पूछ लिए अब अगला स्टेप क्या है कि ये जो उन्होंने पूछा हुआ है ना जिन टाइटल्स के बारे में मैंने आपको बताया उनका ये डिटेल पूछ सकते हैं दूसरा जिन टाइटल्स के बारे में उन्होंने नहीं पूछा और वो इम्पोर्टेंट है वो डायरेक्ट टाइटल्स भी पूछ सकते हैं इतना ही करना होता है इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे ना तो तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर तो आप सब कुछ ही पढ़ लो याद रहना नहीं है पेपर में वो नहीं होगा अगर तो आप याद रख सकते हो तब तो आप सब कुछ पढ़ो ना प्रॉब्लम यही तो है कि आपके दिमाग की कैपेसिटी है आप लिख तो जितना मर्जी सकते हो तो उतना ही याद रखो जितना ज़रूरी है और पेपर्स आपको हेल्प करेंगे अब मैंने आपको जो बताया क्यों बताया क्यों अगर मैंने एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया होता ना तो मैं आपको ये इनके डिटेल्स में नहीं जाती ये तो अभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना डिटेल पर डिटेल्स क्यों? हाँ, तो आप कैसे देखते हो गी? कैसे कितना डिटेल में करना है बिगिनर्स नहीं कर सकते प्रीवियस एनालाइज वेरी डिफिकल्ट आप एनालाइज क्या करोगे जब आप पहली बार चीज़ें देख रहे हो ऑथर्स पहली बार समझ रहे हो आप कोई चीज़ का मतलब आपको तब समझ आता है जब आपको कुछ लेवल ऑफ़ नॉलेज हो अगर आपको आपको पता लगता है कि आपने मास्टर्स कर रखी है तब आप कर सकते हो एनालाइज़ लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोशिश करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है करने को तो बहुत कुछ हो जाता है पर वैसे मैं आपको जनरली बता रही हूँ ठीक है दैट वॉज़ अबाउट दिस लेक्चर अगला हम करेंगे इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन है ना तो वो देखते हैं फिर अभी के लिए बाय बाय टेक केयर रिवाइज कर लेना याद कर लेना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप रिवाइज नहीं करें है ना रिवाइज कर लेना ओके देन बाय बाय टेक केयर